नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नई न्यूज। राजस्थान की राजनीति में फिर से एक बार उलटफेर की खबरें आने लगी है। कल हमने आपको बताया कि किस तरह से सीएम अशोक गहलोत उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच जो है तूतू मैं की लड़ाई हुई, नाराजगी देखने को मिली। लेकिन ठीक कुछ दिन पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक कल से जो है सब कुछ अब धीरे धीरे बिगड़ने लगा। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, आइए आपको समझाते हैं। सचिन पायलट का जन्मदिन था और उस दिन उस मौके पर तमाम लोग उनको बधाइयां दे रहे थे। उनके समर्थक के लोग, कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, ये तमाम लोग जो है उनको बधाइयां देने के लिए जो है स्टेज बनाया, मंच बनाया। लेकिन वहां जो नारे लगे, सचिन पायलट मुख्यमंत्री के नारे लगे, उन्हें मुख्यमंत्री के नाम से बुलाए गए, इससे साफ मैसेज जाता है कि कहीं ना कहीं आज भी उनके समर्थक, उनके चाहने वाले लोग दो गुट में बटे हुए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। एक तरफ सचिन पायलट के लोग हैं, एक तरफ अशोक गहलोत। तो ये जो फिर से एक बार खींचातान की तस्वीरें आ रही हैं, नाराजगी तस्वीरें आ रही हैं, तो राजस्थान सरकार जो अभी मौजूदा में सरकार, कांग्रेस की सरकार है, इस पर फिर से लोगों की अटकलें लगी रहेंगे कि क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर आखिर होगा क्या। और यही वजह है कि राहुल गांधी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं सचिन पायलट को, तो वो क्या होगा, लोगों की नज़रें इस पर भी है। और जिस तरह से सचिन पायलट तैयारियाँ कर रहे हैं, उनके समर्थन, उसके समर्थक में जिस तरह से उत्सुकता देखने को मिल रहा है, इससे अशोक गहलोत की परेशानियाँ बढ़ती ही जा रही हैं कि आखिर राजस्थान की राजनीति में, सियासत में क्या होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन आई न्यूज़। नमस्कार।